प्रोनिक नंबर जो है ये एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना। प्रोनिक नंबर क्या है? ये जो है प्रोनिक नंबर इज अ नंबर विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर दैट इज नंबर ऑफ द फॉर्म एन इंटू एन प्लस वन। लाइक हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर 12, तो हम एक लूप में इसको डालेंगे। लूप में हम जैसे डालेंगे मेरा कभी ना कभी जो नंबर आएगा, जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पर 3 आता है, 3 इंटू 3 प्लस 1, तो अगर इस ढंग का कोई सीक्वेंस आ जाता है तो इसमें जो है 4 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 इंटू 3 12, तो ये 12 आ गया, तो इसे पौराणिक नंबर। तो यहाँ पर 20 पौराणिक है, 30 42 56 72 90 100 एंड 10 132, तो दीज आर ऑल पौराणिक नंबर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है, प्रोनिक नंबर को हम लोग ऑबलॉन्ग नंबर भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर ऑबलॉन्ग नंबर आएगा तो भी सेम होगा, रेक्टेंगुलर नंबर आएगा तो भी यही आंसर होगा, एंड हेट्रोमेसिक नंबर आएगा तो ये भी सेम होगा। ये हमने विकिपीडिया से इसका डेफिनेशन लिया हुआ है। नाउ इस नंबर को हम लोग जावा में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो प्रोनिक नंबर चूँकि नाउ यहाँ पर देखो, ये प्रोनिक नंबर का एक प्रोग्राम है। यहाँ पर एक नंबर हम एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर एक नंबर एंट्री करेंगे, तो मान लो कि 12 नंबर हमने एंट्री किया, तो ये 1 से लेके 12 तक चलेगा, ये 1 से लेके 12 तक चलेगा। तो अभी यहाँ पर देखो कि एक लूप जो यहाँ पर चल रहा है, अगर हम यहाँ पर अगर ऐसे अगर हम इसको देखें, 4 आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 12, आई प्लस प्लस, तो यहाँ पर जो फार्मूला, ये फार्मूला यूज हो रहा है। तो अगर मेरा जो नंबर है 12, अगर ये n में मान लो कि n है, ये n है, n में अगर मैंने 12 दिया हुआ है, तो एक एक करके यहाँ पर फैला होगा i इंटू आई प्लस 1 इक्वल इक्वल टू, अगर मेरा यहाँ पर अगर हम इसको f में ले लेते हैं, अगर n होता है तो यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा, 1 इन 1, देन 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू 1 2 नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6 होगा, नहीं होगा, देन नेक्स्ट आएगा 3 इंटू 5 3 प्लस 1 4 एंड 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो यहाँ पर देखा 12, जैसे 12 दिख गया तो वो क्या करेगा, यहाँ पर f का वैल्यू को 1 करके ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। ओके, तो लॉजिक यही है ना, यहाँ पर हमने प्रोग्राम में वही किया है। तो यहाँ पर चेक कर रहा है एक एक वैल्यू से i इंटू आई प्लस 1, तो पहले i प्लस 1 को चेक करेगा, कैलकुलेट करेगा एंड देन इनटू 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, दैट इज आई फर्स्ट टाइम में 1 होगा, देन ये 2 होगा, देन 3 होगा, तो देखेगा जो है 12 जो ट्रू हो गया। यहाँ पर हमने एक एफ में बुलियन वैल्यू लिया हुआ है, बुलियन वैल्यू मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं फॉल्स, अगर हम बुलियन अगर इंट देते तो यहाँ पर 0 देते, तो यहाँ पर हमने बुलियन वैल्यू लिया हुआ है फॉल्स, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, ट्रू करके ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पर आके हम चेक करना है कि अगर मेरा ये नंबर, ये जो f है, अगर मेरा ट्रू होता है तो क्या होगा, n इज़ अ प्रोनिक नंबर, और अगर ट्रू नहीं होता है तो n इज़ नॉट ए प्रोनिक नंबर। सो इसको कंपाइल करते हैं ना, कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं है, देन हम इसको जो है इस प्रोग्राम को रन करते हैं प्रोनिक नंबर को, देन यहाँ पर एक हम देते हैं से 12, देखो यहाँ पर 12 क्या है, 12 इज़ अ प्रोनिक नंबर। एक और नंबर लेते हैं जो कि वो भी प्रोनिक है, सो यहाँ पर जो है अगर हम लेते हैं 20, तो 20 इज़ अ प्रोनिक नंबर। ओके, ना एक बार और जो है इसको ये करते हैं, कोई और नंबर देते हैं, जैसे मान लो कि हम 21 देते हैं, 21, सो 21 इज़ नॉट अ प्रोनिक नंबर। ओके, सो प्रोग्राम जो है आई थिंक क्लियर हुआ होगा। सो ये सारा प्रोग्राम जो है हम इसको दे देंगे, हम लोग और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। सो एक बार और ये प्रोग्राम को हम समझा देते हैं, आई एन टी एन कॉमा आई, एक हमने बुलियन वैल्यू लिया फॉल्स, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन यहाँ पर एक नंबर एंट्री करेंगे, वो नंबर यहाँ पर आएगा, देन एक एक करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यहाँ पर ऐड करेंगे, दोनों अगर
मेरा इक्वल टू डैट नंबर हो जाता है, देन इसको टू करके बाहर निकल जाएंगे एंड आफ्टर से चेक करेंगे। अगर ये जैसे 12, 12 जो है वो 12 इक्वल टू यहाँ पर जो है कैलकुलेशन 12 हो जाएगा, सो इट्स ए प्रॉनिक नंबर, अदरवाइज इट्स नॉट ए प्रॉनिक नंबर। सो आई थिंक प्रॉनिक नंबर इज क्लियर।